आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा किसान मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने कहा 2022 तक किसानों की आय दुगनी करनी होगी पहली प्राथमिकता। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कोरोना से बचाव के लिए कवच है वैक्सीनेशन अवश्य लगवाएं टीका जीत का। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोरोना वैक्सीनेशन की जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक। सीडीओ ने कहा 21 जून से 7 विकास खंडों के चयनित गांवों में चलेगा विशेष टीकाकरण अभियान। 18 साल से ऊपर के लोगों का तत्काल रजिस्ट्रेशन कराकर होगा वैक्सीनेशन। 21 जून से पूरे देश में 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को निःशुल्क टीकाकरण अभियान शुरू होने पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने आमजन से किया आह्वान। कहा सभी लोग टीका लगाकर अपने जीवन को कोरोना वायरस से करें सुरक्षित। यातायात व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस को मिला अत्याधुनिक बॉडी वार्म कैमरा। एसपी ट्रैफिक ने कहा कैमरे से रिकॉर्डिंग के साथ ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर रहेगी नजर। गंगा दशहरा के अवसर पर गुरु गोरक्षनाथ मंदिर स्थित भीम सरोवर पर आयोजित हुआ गंगा महाआरती। गंगा सहित सभी नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए लिया गया संकल्प। जटाशंकर गुरुद्वारा के तत्वावधान में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर, लोगों ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर राप्ती नदी के पश्चिमी भाग में स्थित राम घाट पर आयोजित हुआ गंगा राप्ती आरती। मां गंगा के अवतरण दिवस के साथ भगवान शिव की भी की गई पूजा अर्चना। गोरखपुर में रविवार को मिले 7 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,237। अब तक 839 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 142 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। गंगा दशहरा पर राप्ती तट पर स्थित गुरु गोरक्षनाथ घाट पर आयोजित हुआ भव्य गंगा राप्ती आरती, भारी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए शासन द्वारा लगाए गए साप्ताहिक बंदी के दौरान रविवार को महानगर की सड़कों पर बंदी का दिखा छुटपुट असर। एसपी ट्रैफिक ने लोगों से की अपील, कहा करें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। और राप्ती और सरयू नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी है जारी। रोहिन नदी है उतार पर। संबंधित विभाग लगातार कर रहे हैं तटबंधों की निगरानी, स्थिति नियंत्रण में।